गोपालपुर विशाखापट्टनम अछि कलिंगपट्टनम रे लैंडफॉल करि पारे सामुद्रिक छड़ बंगोपसागर सृष्ट अवपात गभीर अवपात रे परिणत होई आग को बढ़ुछि। गोपालपुर पूर्व एवं दक्षिण पूर्वर 510 किलोमीटर दूर रे एहा अवस्थित रहिछि। आज यह बात्यार रूप नहीं पारे एने सूचना देछंती भारतीय पाणिपाग विभाग डीजी मृत्युंजय महापात्र। एहा घंटा प्रति 14 किलोमीटर बेगरे आग को बढ़ुछि। तेबे 26 तारीख संध्या सुधा बात्या स्थलभाग छुईबा नहीं आकलन करिछि भारतीय पाणिपाग विभाग। 14 किलोमीटर बेगरे उपरकु मुहाँउछि बात्या। लैंडफॉल बेले पवनर बेग घंटा प्रति 70 रु 80 किलोमीटर रहिबो बोली आकलन करा जाइछि। आउ एथिपाई मत्स्यजीवी को आज ठारु समुद्र भितरकु जिबाकु बारण करा जाइछि। बात्या प्रभाव रे दक्षिण ओडिशार गजपति गंजाम कोरापुट मालकानगिरी बेसी प्रभावित हेबा नै संभावना रहिछि। सेहिपरि रायगड़ा एवं कंधमाल जिले में मध्य प्रभाव पड़ा नहीं आशंका करा जाइछि। गतकाली सृष्टि होता अवपातटे आज सका गोटे गभीर अवपात परिणत हो पखापाखि पश्चिम दिगक गति करुँ। वर्तमान गोपालपुर पाखु प्रायतः 470 किलोमीटर दूर रे पूर्व दक्षिण पूर्व दिगरे केन्द्रीभूत अच्छी। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर 26 तारीख संध्या पखापाखि कलिंगपट्टनम एवं गोपालपुर मध्य उपकूल को अतिक्रम कर। गभीरवपातटी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिख गति कर आज संध्या सुधा यह गोटे बात्यार परिणत हो पारे जार कि पवन रेग 65 रु 75 किलोमीटर प्रति घंटा रही जिते बड़े यह उपकूल को अतिक्रम करते पवन रेग 75 रु 85 किलोमीटर प्रति घंटा एवं अति बेस 95 किलोमीटर प्रति घंटा होवार पूर्वानुमान करा जाउछि। यही पवन हेतु छोट छोट गच्छ उपुड़ी पारे विशेषतः जो आमर सजना गच्छ कदळी गच्छ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स रही सेगुड़ विशेष क्षतिग्रस्त होवार सम्मान रही। या सहित यही बात्यार प्रभाव में वर्षा होवार आशंका रही विशेषतः उपकूल ओडिशा एवं दक्षिण ओडिशा रे समस्त स्थान रे वर्षा होगा सहित अल्प केतक स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे एवं दक्षिण ओडिशा जिला मानकरे अत्यंत प्रबल अर्थात एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होवार संभावना अच्छी 26 तारीख रे।